नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इस घर की छत बहुत ही तेज़ी से बारिश में टपक रही थी। इस घर को हमने वाटरप्रूफ किया है, कैसे किया है इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। मदर स्लैब के ऊपर जो टाइल लगी हुई थी उसको हमने रिमूव कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। पैराफिट वॉल में भी 2 फुट तक प्लास्टर को हमने हटा दिया है ताकि हमारा मेम्ब्रेन ऊपर तक ओवरलैप हो सके। डिसमेंटल करने के बाद मुख्य काम होता है छत की सफाई। वाटरप्रूफिंग करने से पहले उसकी सफाई ज़रूरी है ताकि जितना भी धूल कण हो वो हट जाए। ये बिटुमिनियस प्राइमर पेंट है, इसको सबसे पहले धूल मिट्टी हटाने के बाद इसको छत पे पेंट करेंगे ताकि जो अगर छत के अंदर जॉइंट्स हैं, कोई क्रैक है, तो वो इससे फिल हो सके। बिटुमिनियस का दोहरा फ़ायदा है, ये छत के क्रैक को भी भरता है और साथ साथ जो हम एपीपी मेम्ब्रेन लगाने जा रहे हैं उसके लिए एधेसिव का काम करता है। ये एक रबर पेंट जैसा है, हीट होने के बाद ये प्लास्टिक के जैसे पिघल जाती है और मेम्ब्रेन में जाकर के चिपक जाती है। ये एपीपी मेम्ब्रेन कई ब्रांड में अवेलेबल है, एसटीपी का आता है, पिडिलाइट का आता है, डॉक्टर फिक्सिट का है। यहाँ फोर्स रॉक का 3 mm मोटा एपीपी मेम्ब्रेन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी 10 साल की वारंटी देती है लेकिन ये 20-25 साल कहीं भी नहीं जाता है। ये 1 मीटर चौड़ा, 10 मीटर और 15 मीटर लंबा में उपलब्ध होता है। अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करें तो इस मेम्ब्रेन को गर्म करके लंबे तौर पे बिछाया जाता है, जहां पर 2 मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ा जाता है तो 4 इंची ओवरलेप करके इसको आपस में चिपका दिया जाता है ताकि कोई गैप ना रह जाए। फिर इसके जॉइंट्स को गर्म करके इस तरह से मिला दिया जाता है। ये एक तरह से रबर या इसको प्लास्टिक कह लें, यह आपस में पिघल करके चिपक जाती है। हमारे पूरे छत पर मेम्ब्रेन बिछ चुकी है, अब हम लोग वर्टिकल में दानेदार मेम्ब्रेन चिपका रहे हैं। दानेदार चिपकाने का ये फ़ायदा होता है कि प्लास्टर इसमें आसानी से हो जाता है, नहीं तो मुर्गा जाली लगा करके उसके ऊपर जो है प्लास्टर करनी पड़ती है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हिट करके चिपका दिया जाता है। हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम लोग इसको पानी डाल करके टेस्ट कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर लगभग 6 इंच पानी डाल दिया है और ये पानी अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह छत पे रखा रहेगा। अगर कहीं लीकेज आनी होगी तो 1 सप्ताह में पता चल जाएगा, अदरवाइज हम लोग अगले प्रोसेस की ओर चले जाएंगे। 1 सप्ताह भर पानी भरने के बाद पता लग गया कि कहीं भी किसी तरह की लीकेज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से पानी को हटा दिया। अब हमारा अगला प्रोसेस है इसके ऊपर PCC को कर देना। चूँकि ढाल भी इसमें देना है तो अप्रॉक्सीमेट इस छत पे 6 इंच की PCC हुई है, हमने PCC कर दिया। और PCC करने के बाद इसके बाद का जो काम है टाइल को लगा देना और ये काम हमारा फाइनल हो गया। ये बिल्डिंग पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो चुकी है। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार।